रेसिपी नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का। यूजुअली पनीर टिक्का को तंदूर पे बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे घर पे इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। आज हम इसे तवे पे बनाएंगे और तवे पे बना हुआ पनीर टिक्का भी उतना ही टेस्टी होता है जितना आपको रेस्टोरेंट वाले टिक्के में लगता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन में मैंने लिया है 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और इस सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे बेसन 1.5 चम्मच। ध्यान रहे आपको यहाँ पे तेल और बेसन की क्वांटिटी सेम रखनी है, और इसमें हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमें बेसन को लो फ्लेम पे भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है हमारे मैरिनेट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसे आप लगातार चलाते रहे, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। जैसे इसका रंग बदल जाए, ये काफ़ी सुनहरा हो जाए, तब फ्लेम को ऑफ कर दे और इस बेसन वाले पेस्ट को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और गाढ़ी यूज़ करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आपको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिला लेना है इसे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे अमचूर पाउडर मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है और नमक। अगर आपकी दही काफ़ी खट्टी है तो फिर आप अमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे बस आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और इन सबको अच्छे से मिला ले और मिक्स हो जाने पर हम इसमें अपनी सब्ज़ियाँ डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 100 ग्राम शिमला मिर्च और 200 ग्राम पनीर। आप सब्ज़ी अपने पसंद के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों शिमला मिर्च को यूज़ किया है, तीनों रंग के, और यहाँ पे मैंने प्याज की कलियों को यूज़ किया है। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आपको हल्के हाथों से इसे मिलाना है। इसे मिलाने के लिए मैंने रबर स्पैचुला का यूज़ किया है। आप चाहे तो हल्के हाथों से भी मिला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करने से हमारी पनीर टूट सकती है। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढककर 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम इसमें स्कीवर्स को भिगा लेते हैं, यानी जो ये लकड़ी के स्कीवर्स है उसको आपको थोड़ी देर भिगो कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाती हैं। तो 30 मिनट के बाद हमारे मैरिनेट रेडी हो चुका है। पनीर हमारा काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब आप इसमें सब्जियों को अरेंज करेंगे हम स्कीवर्स में। तो सबसे पहले आपको शिमला मिर्च रखनी है नीचे के सतह पर। तो सब्जियों को आपको निचले और ऊपरी हिस्से में रखनी है। इससे क्या होगा कि एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी और पनीर नीचे गिरकर नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको सारे स्कीवर्स में सब्जियों और पनीर को अरेंज कर लेना है। उसके बाद हम एक तवा लेंगे और इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से फैला लेंगे। इवनली आपको स्प्रेड करना है तेल ताकि सारे साइड लगे रहें। आप चाहे तो एक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें अपने सारे स्कीवर्स को रख देंगे, और इस टाइम आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। और आपको इसे पलटते रहना है क्योंकि आपको इवनली सारे तरफ से पकाना है। आप देख सकते हैं ये पनीर हमारे सारी तरफ से पक चुकी है, इसमें कोटिंग सी आ गई है। तो अब इस मोमेंट में आप निकाल ले पनीर को एक प्लेट में, और इस तरह से आप स्कीवर्स को रिमूव कर ले जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हमारी पनीर टिक्का रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे नींबू और
प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें, और चाहे तो आप पुदीने और धनिए की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।